नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष शर्मा, रेकी ग्रैंड मास्टर, रेकी हीलिंग फॉर लाइफ से। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि कैसे आप जान सकते हैं अपनी बीमारियों के बारे में। बहुत ही आसान होता है ये, और ऑरा स्कैनिंग के माध्यम से। खैर, मैंने कई लोगों के बारे में बताया है, बीमारी के बारे में बताया है, और चक्रा के बारे में, चक्रा हीलिंग कितनी आसान होती है, चक्रा हीलिंग से क्या फायदे होते हैं। दोस्तों, आज मैं उन्हीं चीजों के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप खुद स्वयं अपने बारे में जान सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम किस चक्र से रिलेट करती है। मैं एक ऐसी सीरीज तैयार करूंगा जिसमें हर एक चक्र के बारे में आपको बहुत ही विस्तार पूर्वक बताऊंगा, जिसे आप सुनकर देखकर बहुत ही जल्द समझ पाएंगे कि आपका कौन सा चक्र अनबैलेंस है या डिस्टर्ब है, जिसे आप अपने आप भी ठीक कर सकते हैं। और डिस्टेंस हीलिंग या क्रिस्टल हीलिंग या जो भी हीलिंग की पद्धतियां हैं, उनके जरिए आप उनको बैलेंस करा सकते हैं। तो दोस्तों, आप मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको समय समय पर सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और सभी वीडियोज के बारे में आप जान सके कि कैसे कैसे मैं आपको वीडियो अपडेट डाल रहा हूं और आप उन्हें देख सकें। दोस्तों, ये सेवन चक्र हैं, ये सीधा का सीधा हमारी हेल्थ के ऊपर बहुत असर डालते हैं और ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। और जब भी इनमें कोई चक्र अनबैलेंस होता है तो इनका सीधा जो कारण है वह हमारी समस्या का हमारे चक्रों से होता है। हम अगर सीधा ये कहें कि सभी समस्याएं हमारे चक्रों से ही उत्पन्न होती है, उनके अनबैलेंस होने से ही उत्पन्न होती है, तो वो गलत नहीं होगा। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो हैं हमारे को शारीरिक लेवल पे आ सकती हैं, तो वो हम देखते हैं कि कौन सी शारीरिक लेवल पे आती हैं और कौन सी फिजिकल लेवल पे आती हैं। तो वो समस्या हम कह सकते हैं, जैसे कि आप समझ लीजिए हार्ट की समस्या हो गई, लंग्स की प्रॉब्लम हो गई, और किडनी की प्रॉब्लम हो गई, डाइजेशन सिस्टम की प्रॉब्लम हो गई। तो ये जो प्रॉब्लम है या कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम जो है वो इसमें आ सकती है। अगर हम लोग इसके साथ साथ इमोशनल लेवल के ऊपर बात करें कि इमोशनल लेवल में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, तो हम कह सकते हैं मानसिकता की, भावनात्मक लेवल पर, तो मेंटल लेवल पर, मानसिकता के लेवल पे, साइकोलॉजी के लेवल पे हम कह सकते हैं। ये सभी प्रॉब्लम्स जो हैं वो इन चक्रों के अनबैलेंस होने के कारण आ सकती हैं। अब हम ये देखते हैं कि जब कभी ये चक्र अनबैलेंस होते हैं तो इनमें कौन कौन सी प्रॉब्लम जो हमें फेस करनी पड़ सकती हैं। जैसे कि हम बात करते हैं डिप्रेशन की, डिप्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है लोगों को, एंजाइटी, स्ट्रेस और पैनिक अटैक हमारी पर्सनैलिटी से रिलेट करते हैं कई, जैसे कि कोई डिसऑर्डर हो गया, जैसे कि भूलने की बीमारी, या फिर बहुत सारे लोगों में लो कॉन्फिडेंस होता है, कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है, वो लोग अपने जीवन में कोई सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, और ऐसे लोगों का जो विल पावर होता है वो बहुत कमजोर होता है। बच्चों में आजकल ऐसा बहुत देखा गया है, बच्चों के जो कॉन्फिडेंस लेवल है, विल पावर है, वो बहुत ही कमजोर पाई जाती है और उसको ऐसा में देखने को मिलता है। तो ऐसा बहुत ज्यादा देखने को मिलता है हम लोगों को। अगर हम देखें कि वो लोग अपनी पढ़ाई के ऊपर जो है वो एकदम से फोकस नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो मूडी होते हैं और बहुत जल्दी उन लोगों को गुस्सा आता है, बहुत छोटी बातों के ऊपर उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, वह एकदम से एंजाइटी आ जाती है उन लोगों को, एकदम से बहुत हाई हो जाते हैं और एकदम से बहुत ही लो फील करना शुरू कर देते हैं। कई बार लोगों को अपने जीवन से कोई उम्मीद ही नहीं रहती है। यह आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिलता है कि बहुत ज्यादा लोग सैडनेस रहते हैं, बहुत ज्यादा सैड तरीके से रहते हैं और हर समय दुखी रहते हैं और अपने जीवन से खुश रहते ही नहीं है। लोनलीनेस, जैसे कि अकेलेपन की समस्या, अकेलापन महसूस करते हैं, ये समस्याएं, ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूं, अब मेरे साथ में कोई नहीं है, मेरे जीवन के आगे पीछे कोई नहीं है, जबकि सबको ही उनके साथ में होता है, पर फिर भी उनके दिमाग में चीज बैठ जाती है कि अब मेरे लिए कोई भी नहीं है, जो करना है वो मुझे करना है, अकेले को करना है। तो इस तरह की धारणाएं भी दोस्तों ऐसे लोगों के मन में बैठ जाती है।
अब दोस्तों हम बात करते हैं कि जो लोग रेकी जानते हैं वो लोग रेकी के माध्यम से इसे बड़ी ही सरलता से सफलता से अपने लिए हील कर सकते हैं जब इन चक्रों के बारे में वो जान लेंगे। और जो लोग रेकी के बारे में नहीं जानते हैं वो लोग भी रेकी के द्वारा अपने इन चक्रों को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, हील कर सकते हैं, करवा सकते हैं डिस्टेंस हीलिंग के द्वारा, क्रिस्टल हीलिंग के द्वारा और साउंड हीलिंग के द्वारा, कलर हीलिंग के द्वारा, जितनी भी हीलिंग पद्धति हैं उनके द्वारा वो अपना चक्रों को बैलेंस करा सकते हैं। और डिस्टेंस हीलिंग इनमें सबसे ज्यादा अच्छी होती है जो लोग कराते हैं, क्योंकि वह दूर होने के बावजूद भी लोग उससे अपना इलाज जो है वो बहुत ही आराम से करा सकते हैं। और जैसे ही हम लोग हीलिंग लेना शुरू करते हैं तो वह चक्र अपने आप जो है वो बैलेंस होने लगते हैं और धीरे धीरे वह सभी चक्र ठीक होने लगते हैं। बैलेंस होने के बाद में वहां पर एकदम से वो चक्र जैसे ही बैलेंस होते हैं वो बीमारी अपने आप निकल जाती है, वो प्रॉब्लम वो समस्या अपने आप खत्म हो जाती है और व्यक्ति उन चीजों से बिल्कुल एकदम से उभर के सामने आता है। अब दोस्तों यदि हम बात करें कि इन चक्र का हमारे जिंदगी से हमारे साथ में इतना जुड़ाव क्यों है, इतना रिलेट क्यों है, कोई भी बीमारी हमारे चक्र से सीधी जुड़ी हुई क्यों है, या ये चक्रों पे ही इतनी बातें क्यों होती हैं? तो दोस्तों यदि हम देखें तो हम देखते हैं कि हमारे वीक में, हमारे हफ्ते में 7 दिन होते हैं, हमारे चक्र भी 7 होते हैं, जो कि हर एक चक्र एक दिन से जुड़ा हुआ होता है। अब दोस्तों आगे हम देखते हैं कि जो एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी में 7 ग्रह होते हैं और वो 7ों ग्रह हमारे शरीर के चक्रों से ही जुड़े हुए होते हैं, हमारे चक्रों से ही कंट्रोल होते हैं। जबकि एस्ट्रोलॉजी और वैदिक ज्योतिष के हिसाब से कहते हैं 9 ग्रह होते हैं, राहु और केतु भी होते हैं जो कि चंद्र ग्रह की छाया है, जो कि उपग्रह हैं। तो जैसे ही हम लोग चंद्र ग्रह को हील करते हैं तो चंद्र ग्रह को हील करते ही राहु और केतु भी अपने आप जो है वो हील हो जाते हैं। फिर दोस्तों हम बात करते हैं रेम्बो की, जो इंद्रधनुष, इसमें भी हम 7 कलर देखने को मिलते हैं, हम लोगों को 7 कलर्स होते हैं और ये 7 के 7 कलर हमारे चक्र में मौजूद होते हैं। दोस्तों जैसे ही हम इन कलरों को बैलेंस करते हैं हमारे चक्र अपने आप बैलेंस होने लगते हैं। और दोस्तों आगे जब हम देखते हैं तो हम जानेंगे कि हमारे 7 इंडो ग्लैंड्स होती हैं और ये 7ों के 7ों ग्लैंड्स जो हैं वो हमारे चक्र ही इन्हें कंट्रोल करते हैं। वैसे इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे, बट ये सच है कि ये सारी की सारी ग्लैंड जो हैं वो हमारे चक्रों से ही जुड़ी हुई है और इन्हें हमारे चक्र ही आगे बढ़ाते हैं और इन्हें पावर देते हैं। फिर आगे देखें दोस्तों कि ये जो ग्लैंड होती है ये हमारे शरीर को जो हार्मोन्स है उनको सीक्रेट करती है और ये सभी लोगों को पता होगा कि आजकल जो है हार्मोन इनबैलेंस बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। पर दोस्तों जैसे ही हम इन चक्रों को बैलेंस करते हैं वैसे ही हमारे हार्मोन भी इनबैलेंस होना बंद हो जाते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि हमारे संगीत में 7 स्वर होते हैं और ये 7ों स्वर हमारे सीधे चक्र से रिलेट करते हैं, हमारे चक्र से जुड़े हुए होते हैं। उसके आगे हम देखते हैं दोस्तों कि जो भी हमारे ये चक्र हैं ये किसी ना किसी एलिमेंट से जुड़े हुए हैं, पृथ्वी तत्व हुआ, वायु तत्व हुआ, आकाश तत्व हुआ, तो ये हमारे चक्र जो है सीधे के सीधे एलिमेंट से रिलेट करते हैं। दोस्तों इतना कुछ होने के बाद में जब हम देखते हैं कि सिर्फ यही एक कारण है कि सीधा यदि हम लोग अपने चक्र पे काम करते हैं तो जो भी प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे होते हैं वो बहुत जल्दी दूर हो जाती है और उसको हम लोग बहुत जल्दी से जल्दी उससे हम निजात पा लेते हैं। दोस्तों मैं ऑरा स्कैनिंग के माध्यम से जब चक्र रीड करता हूं तो उन सभी प्रॉब्लम के बारे में पता लगता है जो व्यक्ति को हो रही होती हैं और जो हम लोग हीलिंग करते हैं तो वह उस हीलिंग से प्रॉपर पूरा लाभ पाते हैं जो कि सैकड़ों लोग पा चुके हैं और सफल और बहुत ही अच्छे तरीके से उन लोगों का इलाज हुआ है। दोस्तों ये बहुत ही आसान होता है। आगे जब मैं आपके लिए सभी चक्रों की अलग अलग इन्फॉर्मेशन डालूंगा तो आप जान पाएंगे कि कैसे हम हर एक चक्र के बारे में जान सकते हैं कि क्राउन चक्र से क्या होता है, थर्ड आई चक्र से क्या होता है, थ्रोट चक्र से क्या होता है, जब ये अनबैलेंस या बैलेंस होते हैं तो क्या होता है, इनके रंग क्या होते हैं,
वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए सभी के लिए मैं एक अलग अलग वीडियो बनाऊंगा ताकि आप आराम से किसी भी पर्टिकुलर चक्र के बारे में देखकर अपनी समस्या को जान सकें, उसका इलाज रिकी द्वारा खुद कर सकें या किसी मास्टर के द्वारा करवा सकें। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा। और इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।